पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा एक बैठक सर्किट हाउस में की गई, जिसमें पार्टी को मजबूत बनाने की चर्चा की गई। बिजनौर से आए मंडल प्रभारी एनपी सिंह बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें आने वाले चुनाव में मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में उन्होंने बताया कि पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है वो घोर निंदनीय है, हम उसका घोर निंदा करते हैं और मोदी सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवाद का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। बैठक में अंकित शर्मा, जिला संयोजक वीरेंद्र भारती, जिला अध्यक्ष सनी दुबे, महानगर महामंत्री नितिन वर्मा, मंडल उपाध्यक्ष तुषार, मीडिया प्रभारी दीपक राठौर के साथ और भी लोग मौजूद रहे। मंडल प्रभारी हिंदू वाहिनी मंडल मोरादाबाद, मेरा दायित्व है और आज यहाँ काशीराम नगर में भाटिया चौक पर हिंदू वाहिनी के मंडलीय कार्यालय का एक उद्घाटन हुआ है, उसी के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और 10 मार्च को यहाँ पर एक मंडलीय समीक्षा की मीटिंग होनी है, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष विधायक डुमरियागंज कुमार राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष अशोक सिंह जी और महामंत्री पी के मल जी उसमें आएंगे और वर्तमान में जो सरकार की योजनाएँ चल रही हैं उन योजनाओं को हर कार्यकर्ता को घर घर तक पहुँचाना है। 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में एक डायरेक्शन निर्देश दिया है कि हम सब सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है समाज में जाएं और समाज की योजनाओं को जन जन तक करके आम आदमी को लाभ मिले। सर, पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ वो किस नजर से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? पुलवामा में वास्तव में बहुत बड़ी चोट है और वास्तव में इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बड़े संयम की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम पूरी तैयारी के साथ आने वाले समय एक बृहत भारत का निर्माण होगा और पाकिस्तान भारत में ही मिल जाए।